ये माइक आप ऐसा यूज़ कर सकते हो, स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड DSLR कैमरास, इन सब में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो माइक है ये है बोए का BY-MM1 माइक, और आज हम इसका अनबॉक्सिंग, रिव्यू, साउंड टेस्ट तीनों चीज़ करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी, और आप मुझे इंस्टा फॉलो कर सकते हो, multi.infos है हैंडल, और इस प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जरूर जाके चेकआउट कर लेना। सो बॉक्स आपको कुछ ऐसा है, इसका ये फ्रंट लुक है, ठीक है, ये इसका साइड लुक, और ये इसका बैक साइड का है, कुछ स्पेसिफिकेशन है पढ़ लो। और इसका जो पोलर पैटर्न है वो है कार्डियोड, और नेट वेट है इसका 86 ग्राम, और इसमें हमें TRS एंड TRRS कनेक्टर्स मिल जाता है, तो वो हम देखेंगे अनबॉक्सिंग के टाइम। और इसमें हमें कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं होती, लाइट वेट है, इजी टू यूज़ है, ओके। और इसका जो MRP इन बॉक्स में लिखा है ये है हमारा 2995, लाइक अराउंड 300, बट इतने का नहीं है ये, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा 1500 का। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा आपको, वो आप जाके चेकआउट कर लेना, और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। सो अभी इसको हम करते हैं अनबॉक्सिंग। तो कुछ ऐसा पैकेजिंग हो गया है, और इसको हम लोग यहाँ से निकाल खोलते हैं, ओके। इसके अंदर खाली है, ये सबसे पहले हमें मिलता है एक मैनुअल, जो कि पढ़ सकते हो बट ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करना है। देन दिस इज़, हाँ, वारंटी कार्ड है ये, ओके। नाउ दिस इज़ द मेन यूनिट, सबसे पहला यूनिट है ये, बाद में निकालेंगे इसको, पहले देखते क्या क्या दिया है। ये हमारा एक केबल दिया हुआ है, और एक इस तरफ केबल है, इसकी बात करेंगे। ये हमें एक शॉक माउंट दिया है फॉर DSLR के लिए, और DSLR में या कैमरा में भी लगा सकते हो, इसके लिए अलग से एक आता है। और ये हमारा एक पाउच दिया है जो कि काफ़ी बढ़िया है कैरी वेरी करने के लिए, और यहाँ पे कुछ स्टिकर्स वगैरह है देख सकते हो, और ये एक जेल दिया हुआ है, और यहाँ पे ये एक कुछ कार्ड सा दिया है, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट। ये हमारा स्मार्टफोन के लिए है, और एक जो केबल है ये हमारा DSLR के लिए, तो आप देख सकते हो DSLR वाला केबल ऐसा रहेगा, ओके। और इसके लिए स्मार्टफोन का यहाँ पे लिखा भी है, मेंशन किया हुआ है स्मार्टफोन का इधर, और इधर डायग्राम भी बना हुआ है। ये इसका शॉक माउंट देख सकते हो, रेड कलर का है, और मैंने भी रेड पहना हुआ है, रेड। और इसको आप यहाँ पे डाल के, लाइक DSLR में डाल के फेस को टाइट कर सकते हो। और अभी जो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो ना, ये है मोनो का AU04 करके कुछ एक मॉडल है, उसका लिंक मिल जाएगा आपको, देख लेना अमेजोन पे जाके, इससे रिकॉर्डिंग हो रही है। देन मैं ये वाला शिफ्ट करूँगा, लाइक फिल्टर टाइप दिया हुआ है, जिससे कि ना जब आप बाहर ब्लॉगिंग वगैरह कुछ करोगे तो हवा को ये रोक देगा, कुछ ऐसी क्वालिटी इसकी, मतलब काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। यहाँ पे बोया का ब्रांडिंग भी दिया हुआ है, तो ये इसकी क्वालिटी है देख सकते हो, मतलब बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है, और ये पूरा मेटल का लग रहा है मुझे, मेटल का ही है लग रहा है। और यहाँ पे एक जाली टाइप है, ठीक है, और पीछे से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे बोया का ब्रांडिंग दिया हुआ है। ये सेम आपको रोड का मिल जाता है, लाइक 5000 के अराउंड, तो उसी का ये, लाइक समझ लो एक चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है, सो आप इसको ले सकते हो, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। तो हम इसको कुछ ऐसा करके यहाँ पे लगा देंगे, तो इसको पूरा लगा सकते हो आप अकॉर्डिंग, नहीं तो आप सोचते इसको निकाल दो ऐसे। और इसको लगाने के लिए आपको बस इसको टच करना है यहाँ पे, और इसके यहाँ से आपको पुश कर देना है, तो ये लग जाएगा, काफ़ी टाइट है, और देख सकते हो काफ़ी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी इसकी। अभी हम इसका करते हैं साउंड टेस्ट, और अभी जो ये आवाज़ सुन रहे हो ये आ रहा है मोनो का माइक से, तो ऐसा कुछ साउंड है, कुछ टेस्ट कर लेते हैं। सो अभी जो आवाज़ आ रही है ऐसा कुछ है, कैसा लग रहा है आपको ये ऑडियो सुन के? ये मोनो का माइक है, अभी हमने शिफ्ट नहीं किया है, अभी करेंगे शिफ्ट, देखना बैकग्राउंड नॉइज़ सुन लो। अभी जस्ट इस रूम में कुछ लाइक AC चल रहा है और कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ साउंड है। अभी हम शिफ्ट करते हैं बोया का BY-MM1 माइक, और अभी मैंने शिफ्ट कर दिया है बोया BY-MM1 माइक, और अभी इसकी क्वालिटी आपको ऐसी आ रही है, मैं तो एडिटिंग के टाइम ही सुनूंगा कैसा साउंड क्वालिटी आ रहा है, बट अभी कुछ आपको ऐसे मिलेगा। और ये रहा माइक मोनो का जो था, ये कुछ ऐसा वाला माइक है देख सकते हो, ठीक है, और ये सी इसमें एक जैक लगता है अगर आप DSLR से करते हो, तो ऐसी कुल क्वालिटी है। तो इस माइक से आपको ऐसी क्वालिटी मिलेगी, और मैंने ब्लॉगिंग वगैरह भी कर रखा है इस माइक से, तो उसका क्लिप मैं लगा दूंगा इसमें, तो आप लोग को आइडिया मिलेगा कि आउटडोर में इसका कैसा रिस्पॉन्स है, लाइक कैसा काम करता है, क्योंकि घर पे तो नॉइज़ नहीं आती, और बाहर मेन टेस्ट होता है हमारा, तो बाहर का हमें
ज़्यादा पता होना चाहिए ना, कैसा काम कर रहा है, कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। इंडोर में तो चलो कर ही देगा, बट आउटडोर में कैसे दे रहा है वो क्लिप लगाऊंगा, तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि कैसा क्वालिटी है। तो ऐसा है, तो अभी हम शिफ्ट करते हैं इस माइक में और वीडियो को एंड करते हैं। और मैंने अभी लगा दिया मोनो का माइक, और अभी आप साउंड सुन सकते हो, ऐसा कुछ डिफरेंस है। और दोनों का जो लेवल था वो सेम था, 50 में था। तो मैं जैसे मेरी वॉइस है मैं वैसे बात कर रहा था, तो अभी भी वैसे ही बात कर रहा हूँ, तो ऐसा ही क्वालिटी आपको मिलेगा। बाकी आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसा है ये प्रोडक्ट। और अगर आपको बाय करना है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, 3K करना है, ओके, इंस्टा पे फॉलो करना है, ऐसे आपको वीडियोस मिलते रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर।